वाटर क्रॉस गेम बहुत हमको खुशी हो रही, दिल इतना बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पर डेंगू इतना फैला हुआ है, वो सब देखेंगे उसको बहुत खुशी होगी। और कितने हिंदू परिवार है, आप इधर से पैसे जोड़ गया वहाँ भेजोगे, हम 3 दिन गया था तो 500 लेके आए। वो सपोर्ट सिस्टम को अप्रोच करे एंड दे गेट हेल्प, हम भी कर सकते ये कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के इस नई वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, दो फैमिलीज और पाकिस्तान से भी भारत आई हैं। इस फैमिली से दोस्तों मिलाने से पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस चीज को समझे, व्हाई वी मेक दिस वीडियोस। दोस्तों, वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और सामने आकर हम ऐसे नीडी फैमिलीज की हेल्प कर सके, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बने ग्लोबल लेवल पे जहाँ पर हर नीडी हिंदू फैमिली को किसी मदद की जरूरत हो तो वो सपोर्ट सिस्टम को अप्रोच करे एंड दे गेट हेल्प। जैसे बनाइए दोस्तों एज ए ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस हिंदूज आर सिख्स जैन बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। हम हिंदू में जात पात नहीं मानते। संगठन इज कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल एंड कम्प्लीटली चैरिटेबल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा पंजूराम है। पंजूराम, आपका दीदी क्या नाम है? लीलावती। लीलावती, बच्चों का क्या नाम है? इसका नैना और उसका अशोक। नैना और अशोक, दो बच्चे हैं आपके? हाँ। ठीक है, आपका दीदी क्या नाम है? अमरवंती। अमरवंती, आपका भैया क्या नाम है? शिवाराम। शिवाराम, क्या नाम है इनका? ललिता। ठीक है, उसका क्या नाम गुड़िया का? ममता। दो बच्चे हैं आपके? हाँ। हम दो परिवार साथ में आए जी। आप लोगों के आपस में कोई रिश्ता है? क्या लगते हैं आपस में आप लोग? ये मेरी छोटी बहन है। ये आप बहन है आपकी छोटी जी। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप लोग? पाकिस्तान में हाला। हाला में, तो आप ही दीदी वहीं रहते थे? नहीं, हम सांगढ़ में रहते थे। सांगढ़ और हाला कितना दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है। और ये दोनों सिंध में आते हैं? हाँ। तो आपकी क्या वजह भारत आने की? भारत आने की बच्चों की भविष्य के लिए, और भारत भी हमको बहुत पसंद है इसलिए। आप भारत पहले आ रखे हो कि अभी पहली बार आए हो? मैं पहली बार आया। पहली बार आए हो आप? तो 100 किलोमीटर दूर रहते थे इनसे, आपका क्या कारण भारत आने का? हम भी इस कारण आए। मेरे को आप बताओ, आपके परिवार में वहाँ पर और कौन कौन है? वहाँ पे मेरे भाई हैं 3, एक मेरा अब्बू है, बाबू जी है, वो सब वहीं रहते हैं। वो लोग भारत आएंगे कि सिर्फ आप लोग आए हो? वो आएंगे आस्ते आस्ते, कुछ वो खर्च करेंगे, कुछ यहाँ से हम कमा के उसको देंगे। आप इधर से पैसे जोड़ गए वहाँ भेजोगे आप लोग? वहाँ पे हम 1.5 लाख खर्च करके यहीं पे पहुँचे, बस हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, हमारे पास टेबल नहीं है, जो भी हम रह रहे हैं माटी के पास रह रहे हैं। इनके तो चलो परिवार वाले हैं, आपके घर में कौन कौन है? 3 भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। वो भी आएंगे यहाँ पर? तो आप भी यहाँ से मतलब कमा कर मदद करोगे? क्या काम करते थे वहाँ पे? खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी, कितना खर्चा हुआ आपका आने में? 4 लाख। 4 लाख रुपए लगे आपके? आप भी खेतीबाड़ी काम करते थे? चलो, आप दोनों बहनों ने फैसला कर दिया भारत आने का। आप और कितनी बहने हो आप? 9 बहने। भाई? 2 भाई। सब बोले बाकी सब वही हैं? बाकी सब वही हैं, दोनों बहन। वो भी आएंगे यहाँ पे? आएंगे, अभी नहीं है। अभी कितने पैसे आप लोगों के पास? पैसे नहीं है, और राशन आपने भेजा वो खाकर सारे। चलो कोई बात, दोस्तों इन फैमिलीज को हमने राशन दिया था, ऊपर वीडियो में लिंक शेयर कर देता हूँ। तो फिर किस वजह से बुलाया आपने हमें, बताओ क्या मदद करे आपकी? हमारी पाइप ही नहीं है, 4 पाइप ही नहीं है, ये पड़ोसियों की लेके आ रही। ठीक है। और गैस भी नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है, बाथरूम की भी दिक्कत है, बाथरूम की नहीं है, पानी की टंकी नहीं है। ठीक है। अभी आपके पतियों के पास कितने जमा पहुंचे ये बताओ? कल 3 दिन गया था तो 500 लेके आया। मजदूरी कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हैं, किस चीज की मजदूरी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे घर बना रहे थे ना पड़ोसी, वहीं पे गए थे। इधर ही कैंप में? बोला बैठे हो मंदे तो आ जाओ, हमको मदद करवा लो तो 150 रुपए दे देंगे। ठीक है, कैंप में ही आपने मजदूरी करी है? हम भी कर सकते ये कर सकते कमा सकते। आप ही काम करना चाहते हो? पाकिस्तान में आप काम करते थे बहने? जी हम करते थे, मजदूरी करते थे, कपास वगैरह करते थे। आप यहाँ कुछ परिवार गए हैं कर्मा चुकने के लिए है ना? आप लोग नहीं गए अभी? हम नहीं गए, अभी आए। जहाँ पर पाकिस्तान में आप रहते थे वहाँ और कितने हिंदू परिवार हैं? बहुत। सब भारत आना चाहते हैं कि वहीं रहना चाहते हैं? जिसके पास पैसे हैं घर को भेज देते हैं, आस्ते आस्ते वो भी आ जाते हैं, पर सबका मन इधर लगा हुआ है, वो भारत आना चाहते हैं। अच्छा, भारत आना चाहते हैं। क्या बोलना चाहोगे देश विदेश के हिंदू लोग हमारे वीडियो देखते हैं, क्या माहौल है वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदुओं का इस टाइम पर? थोड़ा बोल नहीं सकते,
चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। अभी बताओ क्या क्या मदद करें आप दोनों परिवारों को? आपने तो सामान बता दिया, घर का सामान, गैस चूल्हा वगैरह, ठीक है। आप बताओ आप क्या करोगे, कैसे होंगे यहाँ पे? हमारे पास रेहड़ी नहीं है, छुट्टे दिन मिल जाती तो अच्छी बात थी। क्या बेचोगे वहाँ पे? रोड पे लगा लेंगे शाम को, फिर यहाँ पे लेके आ जाएंगे, पत्नी लगा लेगी, उसमें हेल्प करेगी, हम भी कर लेंगे। ठीक है, आप बताओ मेरे को आप क्या काम करोगे यहाँ पे? मैं फ्रूट वोट बेच लूंगा। फ्रूट फ्रूट बेच लोगे? रेडी वगैरह चाहिए आपको? चलो ठीक है। अब भारत के सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। अब बताओ आपको भारत आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच में जी, वहाँ से निकलकर यहाँ का माहौल में सबसे पहला अंतर आपको क्या लगा जैसे आप भारत पहुँचे? बॉर्डर क्रॉस के बहुत खुशी हो, दिल इतना बड़ा हो गया। अच्छा, ये भारत में पहुँच के इतना हमारा दिल खुश हो गया। जो पाकिस्तान से अभी आपके लोग देख रहे होंगे उनको क्या मैसेज होगा भारत कैसा है? खुश हो गया, इसको बहुत खुशी होगी। हमको देखेंगे, हमारे भी उधर है, हमारे सासू ससुर उधर है, हमारे देवर जिठानी और बहुत है हमारे सपने, वो सब देखेंगे, इसको बहुत खुशी होगी। चलो अच्छी बात है, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे आपको मदद करने की, ठीक है। थोड़ा समय लगता है हमारे को बना देने। ठीक है दीदी, कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं दोस्तों आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ इतने सारे मच्छर है, ये देखिए इस बच्चे को, देखो कितने मच्छरों ने काटा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेंगू इतना फैला हुआ है और इतने सारे मच्छरों ने दोस्तों हमें भी यहाँ काटा है, बहुत मच्छर है यहाँ पर। तो मैं अगर इस वीडियो को दोस्तों भारत सरकार या दिल्ली सरकार के अधिकारी लोग देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर सिग्नेचर वृक्ष कैंप में कोई मच्छरों को मारने का कोई दवाई सवाई छिड़को, कोई यहाँ पर कोई फॉगिंग करो, गैस से छिड़को। यहाँ पर इतने लाखों करोड़ों मच्छर है दोस्तों, इट्स वेरी अनोइंग हियर। मच्छरदानी हमने नए परिवारों को दी है, बट दिन में लोग जैसे बच्चे घूम रहे हैं, काम करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हियर। तो ये तो पहली एक रिक्वेस्ट दिल्ली सरकार के लोगों को, अगर आप दिल्ली सरकार में काम करते हैं तो प्लीज इसका कुछ अरेंजमेंट यहाँ करवाएं। सेकेंड दोस्तों, मैं चाहता हूँ इन फैमिली की हम हेल्प करें, छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, परिवारों में चार छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर इनकी हेल्प के लिए दोस्तों हम कुछ इंतजाम करना चाहते हैं। जैसे इनको झुग्गी की रिक्वायरमेंट है, इनको घर के सामान की जरूरत है, रेडियो की जरूरत है इस भाइयों को, इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि सारा हिंदू समाज इकट्ठा है। आप डायरेक्टली आकर भी यहाँ पर रेडिया डायरेक्टली दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं। ऑल वी वॉन्ट इज एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सारे ग्रुप्स में इन वीडियोज को शेयर करें, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब मेंबरशिप ताकि हम अपने संगठन को ग्रो कर सकें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और सामने आकर ऐसे परिवारों को हेल्प करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज राइट योर डिटेल कमेंट्स, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियोस, व्हाट चेंजेस यू थिंक कि हमें अपनी सोसाइटी में लाने की जरूरत है। राइट पॉजिटिव कमेंटिंग एंड राइट डिटेल कमेंटिंग, बिकॉज आपकी कमेंट्स दोस्तों हर कोई पढ़ता है, सिस्टम तक ये कमेंट्स जाते हैं और हिंदू समाज क्या सोच रहा है, क्या एस्पायर कर रहा है, ये मैसेज हम दोस्तों स्प्रेड आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।